स्कॉटलैंड इंग्लैंड के नॉर्थ में बसा एक बेहद ही खूबसूरत देश। इसकी कैपिटल सिटी एडिनबरा है, विच इज़ आर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट ऑथर ऑफ हैरी पॉटर जेके रोवलिंग वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ द सिटी दैट शी रोट इनिशियल पार्ट ऑफ द बुक्स ड्यूरिंग हर विजिट टू एडिनबरा। एक ऐसी कंट्री जो हर कोई लाइफ में एक बार विजिट जरूर करना चाहेगा। ऐसा ही ड्रीम लेके स्कॉटलैंड और उसकी दो मोस्ट पॉपुलर सिटीज एडिनबरा और ग्लासगो की सैर करता है देसी ट्रैवल व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने मेरा स्कॉटलैंड सीरीज देखा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे लिंक पे जाके जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अगर आप नियर टर्म में कभी भी स्कॉटलैंड आना चाहते हैं और स्कॉटलैंड की दो बहुत ही खूबसूरत सिटीज एडिनबरा और ग्लासगो को विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, टोटल कितने दिन चाहिए और आपकी डे बाय डे आइटनरी कैसी होनी चाहिए, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऑल्दो ये यूके का पार्ट है, के चार इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिला के बना हुआ है। एक है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों के चारों जो स्टेट्स हैं उनके अपने इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अपने लॉज हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको यूके आना है तो उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए 6 महीने का और वो आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा, और उसको बुक करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है। यार फ्लाइट्स का हक ऐसा है कि अगर आप जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे उतना आपको सस्ता फ्लाइट का फेयर मिल जाएगा। अगर आप काफी पहले प्लान करते हैं, रेगुलर ट्रैक करते रहे, आपको हो सकता है कि एडिनबरा या ग्लासगो की फ्लाइट्स इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये में मिल जाए, और ऑन एन एवरेज आपको 60,000 से 70,000 आप लेके चलिए कि आपको उतने में मिलेगा। और सम ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स टू बुक अ चीपर फ्लाइट्स आर स्काई स्कैनर, booking.com, Google एंड चीप फ्लाइट्स। इंडिया से अगर आप आते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर सिम कार्ड चाहिए होगा। कभी भी जहाँ पर एयरपोर्ट में आते हैं तो आप वहाँ से लाइका या लिबारा का सिम कार्ड ले लें, 10 पाउंड का इनफ होगा, क्योंकि 10 पाउंड में आपको एटलीस्ट 5 से 10 GB का डाटा मिल जाएगा, विच इज़ इनफ फॉर योर 6 to 7 डे विजिट, और साथ ही साथ उसमें 100 से लेकर 500 मिनट तक इंडिया की कॉलिंग भी फ्री रहती है। अगर आप अकेले आ रहे हैं और सिंगल हैं तो देयर इज नो पॉइंट बुकिंग अ होटल, तो बेस्ट है कि आप किसी हॉस्टल वगैरह में स्टे करें। बहुत सारे बंक बेड्स के ऑप्शंस रहते हैं और अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 से 40 पाउंड में एक अच्छा खासा बंक बेड मिल जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट भी मोस्टली इंक्लूडेड रहता है। तो ऑन एन एवरेज यू कैन से कि 6 डेज की विजिट में आपको 150 से लेकर 200 पाउंड तक लगेगा। यहाँ पर अगर आप बजट ट्रिप में आते हैं तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक मैकडॉनल्ड्स या स्ट्रीट फूड में खाना खा सकते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते में खाना मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे आउटलेट्स में खाना खाते हैं कुछ अच्छे स्ट्रीट फूड में या फिर मैकडॉनल्ड्स में, और कभी कभी इंडियन फूड भी आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 से 25 पाउंड लगेगा दिन का आपको पूरा खाना खाने में। तो ऑन एन एवरेज 6 डेज का आप कह सकते हैं कि 120 पाउंड से लेकर 150 पाउंड तक आपको लग सकता है। जितने भी ग्लासगो की अट्रैक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ एज पर माय रिकमेंडेशन, वो सारी की सारी फ्री हैं, सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर ग्लासगो अट्रैक्शन। एडिनबरा की बात करें तो एडिनबरा में 3 मेजर अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर आपको पे जरूर करना चाहिए और देखने के लिए। एक तो है एडिनबरा कैसल, पैलेस ऑफ हॉलीवुड, रॉयल ब्रिटानिया यार्ड। अगर आप इंडिविजुअली टिकट लेंगे तो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है, पर अगर आप हॉप ऑन ऑफ बस के साथ इनका कॉम्बो लेते हैं, 48 आवर्स का आप पैकेज ले वहाँ पर, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 63 पाउंड में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, जिसमें 3 तरह के बसेस का टूर और साथ ही साथ ये तीनों रॉयल पैलेसेस का विजिट आपको उसमें इंक्लूडेड रहता है। एंड यू कैन गो टू दिस लिंक टू बुक दिस टूर। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ आ जाता है। पहले बात करते हैं इंडिया से एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट से वापस इंडिया में आपके घर आना, तो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं यार इंडिया में 500 रुपये आना और 500 रुपये जाना, टोटल 1,000 रुपये हो गया। एडिनबरा एयरपोर्ट से लेके रॉयल माइल तक जो ट्रेन चलती है एयरपोर्ट से, उसका फेयर है 6 पाउंड, तो आने जाने में आपको टोटल हो गया 12 पाउंड। उसके बाद
बात करते हैं कि एडिनबरा से आप ग्लासगो जाएंगे तो उसका फेयर है 7 पाउंड एक साइड का, तो दोनों साइड का हो गया अप्रॉक्सीमेटली 14 पाउंड। एडिनबरा बहुत ही कॉम्पैक्ट सिटी है, तो मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आप बाय वॉक कवर कर सकते हैं, और अगर कुछ एक अट्रैक्शन नहीं कवर कर सकते वॉक करके तो वो आप डेफिनेटली हॉप ऑन अ बस के साथ कवर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बंदा थोड़ा लेजी फील करता है या फिर कहीं और आपको प्लान करना पड़ता है जाने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 0 से लेकर 10 पाउंड रिजर्व करके रखिए ट्रांसपोर्टेशन का एडिनबरा में। ग्लासगो में अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 से लेकर 20 पाउंड तक चाहिए होगा उनकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करने के लिए, चाहे वो ट्रेन हो या फिर बसेस हो। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 5,000 रुपया रिजर्व करके रखिए मिसलिनियस खर्चे के लिए, चाहे वो कोई सवर्नर खरीदना हो या फिर कभी आपका मन करे एडिनबरा में बहुत सारे हिस्टोरिकल पब्स हैं तो कहीं पे आप ड्रिंक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए। टोटल यू नीड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख to 1,30,000 टू विजिट 2 beautiful cities ऑफ दिस कंट्री, एडिनबरा एंड ग्लासगो। लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आपको यार टोटल दिन कितने चाहिए और आपकी क्या डे बाय डे आइटनरी होनी चाहिए। टोटल दिन चाहिए एडिनबरा ग्लासगो को घूमने के लिए 6 दिन और उनकी आइटनरी ये रही। वन में अज्यूम करते हैं कि आप लोग सुबह या दोपहर पहुंच के थोड़ा बहुत होटल में रेस्ट करेंगे। पहला स्टॉप रहेगा आर्थर सीट। आर्थर सीट जो है वो एक एंशियंट वॉल्केनो है एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मेन पीक ऑफ ग्रुप ऑफ हिल्स इन एडिनबरा स्कॉटलैंड, और इसका जो नाम है वो किंग आर्थर के नाम पे पड़ा है। यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ेगी और ऊपर जाके आपको एडिनबरा का एक खूबसूरत 360 डिग्री व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। यू कैन फिनिश योर फर्स्ट डे बाय विजिटिंग वन ऑफ द हिस्टोरिकल पब्स। डे टू की आप शुरुआत कर सकते हैं बाय विजिटिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन एडिनबरा कैसल। नियर बाय किसी शॉप में जाके कश्मीर वूल का कुछ खरीद सकते हैं। वहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर की वॉक करके विक्टोरिया स्ट्रीट जा सकते हैं। इट इज़ ईजली द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट ऑफ एडिनबरा एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और जहाँ पे विक्टोरिया स्ट्रीट एंड होता है वहीं पे ही ग्रास मार्केट शुरू हो जाता है। ग्रास मार्केट एक ओपन स्क्वायर है। देन यू कैन विजिट नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड। के बाद आप विजिट कर सकते हैं वन ऑफ द हिस्टोरिकल कैफे ऑफ एडिनबरा, एलिफेंट हाउस। It is believed that the initial part of Harry Potter book was written here. After this, you can do hop on a bus tour, another way of enjoying this beautiful city of Edinburgh. Iske baad aap ja sakte hain Calton Hills, which is my favorite place in Edinburgh. Aur yahan se aap enjoy kar sakte hain extremely impressive and stunning view of old town. Iske baad aap ja sakte hain Scott Monument. अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट, और वहाँ पर ही प्रिंसेस गार्डन है, काफी ब्यूटीफुल गार्डन है। इसके बाद आप जा सकते हैं कैसल स्ट्रीट। डे 3 की शुरुआत करेंगे हम एक और मस्ट विजिट अट्रैक्शन से, रॉयल ब्रिटानिया यॉट। एक टाइम पे रॉयल फैमिली का एक ऑफिशियल फ्लोटिंग हाउस होता था। अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स तक उन लोगों ने इस यॉट को एज ए हाउस यूज किया था। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं सेंट जॉयल्स कैथेड्रल चर्च। इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट ऑफ एडिनबरा एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, वॉज बिल्ट अराउंड 12th century। सेंट जॉयल्स कैथेड्रल के बिल्कुल अपोजिट ही एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, कॉकबर्न स्ट्रीट। इसके बाद आप जा सकते हैं रॉयल माइल्स, और इसको रॉयल माइल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है 2 रॉयल कैसल्स या हाउसेस को। इसके एक साइड पे है एडिनबरा कैसल और दूसरे साइड पे है पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस। इन दोनों का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो है 1 माइल का। दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड एज रॉयल माइल्स। शाम को आप जा सकते हैं डीन विलेज, और डीन विलेज एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है स्कॉटलैंड में एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी सेंटर ऑफ एडिनबरा। देन यू कैन विजिट चार्लेट स्क्वेयर, और इट इज़ आल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और उसके बाद आप डे 3 का एंड कर सकते हैं सर्कस लेन। यू कैन विजिट हेयर फॉर सम वेरी कूल फोटोग्राफ्स। डे 4 में आप रॉयल माइल्स का दूसरा पोर्शन विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप जा सकते हैं म्यूजियम ऑफ एडिनबरा में। आप बाहर से एडिनबरा या स्कॉटलैंड का पार्लियामेंट भी देख सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, और उसके बाद आप पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस जा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मैनी रॉयल पैलेसेस ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली इन यूके। और क्वीन एलिजाबेथ एटलीस्ट स्पेंड 1 वीक ड्यूरिंग समर। और यहीं से ही आप जा सकते हैं स्कॉटलैंड की एक और बहुत ही खूबसूरत सिटी ग्लासगो, विच इज़ आल्सो अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। शाम को आप जा सकते हैं क्लाइड रिवर और क्लाइड आर्क। क्लाइड रिवर ग्लासगो की मेन रिवर है और पर्सनली मुझे ये थेम्स रिवर से ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहीं पे ही क्लाइड आर्क है जहाँ पर रात को बहुत ही अच्छे
फोटोज आते हैं और रात को बहुत ही अच्छा उसका व्यू भी दिखता है। पांच की शुरुआत आप कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट म्यूजियम से। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में पुरानी और नई तरह की गाड़ियों की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। उसके बाद आप जा सकते हैं ग्लासगो नेक्रोपोलिस। ग्लासगो नेक्रोपोलिस एक विक्टोरियन सेमेट्री है ग्लासगो में, तो कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ जाके आपको ग्लासगो सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखेगा क्योंकि वो पहाड़ में बना है और अप्रॉक्सीमेटली 3500 के करीब मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। नेक्रोपोलिस के बिल्कुल बगल में ही एक और खूबसूरत अट्रैक्शन है, वो है ग्लासगो कैथेड्रल। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। ये चर्च ग्लासगो का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th century AD। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं कैथेड्रल स्क्वायर। ये एक पब्लिक स्क्वायर है ग्लासगो में और इट इज़ सिचुएटेड एडजेसेंट टू ग्लासगो कैथेड्रल एंड नेक्रोपोलिस। यहाँ पर आपको बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज के स्टैचू दिखेंगे। मोस्ट पॉपुलर वंस आर किंग विलियम, जेम्स आर्थर, क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद आप जा सकते हैं जॉर्ज स्क्वायर। जॉर्ज स्क्वायर एक प्रिंसिपल सिविक स्क्वायर है ग्लासगो सिटी में एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर किंग जॉर्ज 3। और उसी के पास एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है सिटी चैम्बर। उसके बाद आप स्टैच्यू ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के सामने फोटोज वगैरह भी ले सकते हैं। देन यू कैन विजिट बकनन स्ट्रीट एंड होप स्ट्रीट। बोथ स्ट्रीट्स आर मेन शॉपिंग स्ट्रीट्स ऑफ ग्लासगो। यू कैन फाइंड वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स एंड शॉपिंग आउटलेट्स हेयर। सारी हॉलीवुड मूवी की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। डे 5 की शाम को आप विजिट कर सकते हैं ग्लासगो के बोटानिकल गार्डन में। डे 5 का एंड कर सकते हैं आप एस्टन लेन में, जो कि कॉबल्ड बैक स्ट्रीट है ग्लासगो में एंड इज नोटेड फॉर इट्स बार्स, रेस्टोरेंट एंड लाइसेंस सिनेमा। डे 6 ऑफ आवर स्कॉटलैंड ट्रिप, और उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं कैल्विन ग्रोव म्यूजियम जाके। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1901। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन है हमारे जो पुराने टाइम पे जानवर वगैरह लुप्त हो गए थे या फिर इजिप्ट वगैरह की मम्मीज की। इसके बाद आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। इट इज़ द 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। टू कमेंट फॉर एनी फीडबैक और सजेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देसी ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियोस देखते रहिए और हमारे इस खूबसूरत वर्ल्ड को एंजॉय करें।